सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गेम जल के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। सो गाइस, आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। गाइस, इस वीडियो में मैं बहुत सारे चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, जैसा कि हमारे फ्री फायर में आगे आने वाले कुछ लीक्स एंड अपडेट्स। और गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आलोक का एबिलिटी चेंज होगा, जैसा कि आपने थंबनेल में हमारे देखा होगा आने से पहले कि हमारा आलोक का एबिलिटी चेंज होगा या फिर नहीं होगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। गाइस, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइस, और जाकर लाइक भी दबा देना गाइस फटाफट से। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो यार, सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे इंडियन सर्वर में पता है आपको कि अगर आप अभी फ्री फायर स्टार्ट करोगे तो आपको पता है कि मिस्ट्री शॉप आ चुकी है गाइस, क्योंकि हम लोगों ने इतना मेहनत किया था, इतना स्पैम कराया था कि हमने मिस्ट्री शॉप को फाइनल हमारे इंडियन सर्वर में ला दिया। सो गाइस, ये मेरा वीडियो है, मतलब कि मेरा खुद का आईडी में देखते हैं कितना परसेंट का ऑफ आता है। सो गाइस, यहाँ पे हम स्टॉप भी करके देख लेते हैं कि कितना ऑफ आता है। 75% का इस हमको ऑफ आ चुका है, और गाइस इंटर करते हैं और देखते हैं मिस्ट्री शॉप में क्या है। गाइस, इलाइट पास तो हमको यहाँ पे देखने को मिल चुका है, जैसा कि हमको कन्फर्म नहीं था इलाइट पास के बारे में। और गाइस, यहाँ पे कुछ लैम्बोर्गिनी का स्क्रीन है, कुछ बैकपैक, लूट क्रिएट, और ये पैराशूट है, और कुछ बॉक्सेस हैं। सो गाइस, यहाँ पे आपको जैसा कि देख रहे हो कि यहाँ पर हमारे इंडियन स्टोर में कुछ खास तो देखने को नहीं मिला मिस्ट्री शॉप में, मतलब कि मिस्ट्री शॉप सिर्फ लाइट पास के लिए और कुछ बंडल्स के लिए है गाइस, और स्विच बाद में मैं करके देख लूँगा, मतलब अभी मेरे पास डायमंड नहीं है। लाइट पास गाइस मेन चीज़ यहाँ पर हमको मिल चुका है, कोई बात नहीं, लाइट पास देखने को तो मिला गाइस, जैसा कि मैंने बंडल बताया था वही बंडल आ चुका है हमारे फ्री फायर में। तो गाइस, चैनल को इसलिए मैं बोलता हूँ सब्सक्राइब कर लो, सभी कुछ आपको पहले ही पता चल जाएंगे कि क्या फ्री फायर में आने वाला है क्या नहीं आने वाला, सब कुछ हमको पता चल जाता है, हम आपको बता देते हैं। गाइस, आपको पता है कि अवेकिन एनजीओ बनने वाला है कमिंग सून है गाइस, तो मैं आपको बता दूं कि अवेकिन जो एनजीओ होने वाला है वो गाइस जल्द ही होगा, मतलब कि मैं आपको अपडेट बताने वाला हूं। तो गाइस, अभी पता है कि आपको पाँचवा महीना चल रहा है, मतलब कि पाँचवा महीना को 29 तारीख यानी कि 30 तारीख, मतलब समझ लो कि महीना का लास्ट में आपको देखने को मिलेगा अवेकिन एनजीओ, जबकि हमारा FFWS यानी कि फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज स्टार्ट होगा उस समय हमको देखने को मिलेगा गाइस ये अवेकिन एनजीओ। सो गाइस, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट लीक के ऊपर। गाइस, मैंने बताया था कि हमारा इंडियन सर्वर में ये वाला डायमंड रॉयल आने वाला है, लेकिन गाइस मेल बंडल आ गया है इसका, तो मैं आपको बताता हूँ गाइस कि जैसे ही मेल बंडल हटेगा गाइस तो उसके बदले हमको फीमेल बंडल देखने को मिलेगा। इसके बारे में मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि फीमेल बंडल आने वाला है हमारे डायमंड रॉयल में, लेकिन गाइस मेल बंडल आ गया हमारे इंडियन सर्वर में। सो गाइस, अब हो सके तो हमको फीमेल बंडल अब देखने को मिले, और गाइस मैं सभी कुछ बताया था हूँ गाइस, मतलब कि इसके बारे में भी मैंने बता दिया था, तो ये आ गया गाइस हमारे चैनल पे, आपको सभी कुछ देखने को मिल जाएंगे गाइस। जो हमारा नेक्स्ट है गाइस, तो आपको प्लेन का स्किन देखने में आपको जो मतलब चेंज लगेगा गाइस, मतलब कि स्किन अब चेंज होने वाला है प्लेन का हमारा, और गाइस प्लेन के साथ बहुत सारे चीज़ जैसे कि ये लूट क्रिएट का भी स्किन चेंज होने वाला है गाइस, जो कि पूरा ब्लू कलर का लुक में आएगा। और गाइस, इसके साथ यहाँ पे जो हमारा लकी ट्री रहता है गाइस वो आने वाला है, मतलब कि अलग वाला लकी ट्री होने वाला है जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। एयर स्वीपर का नया स्किन आने वाला है, जो कि हमारा एयर ड्रॉप गिराता है छोटा, जिसमें बहुत सारे ग्लूवल्स निकलते हैं आकर कहीं कहीं पर गिरा देता है, उसका स्किन ये वाला है गाइस। और इसके बाद जो लास्ट में बचता है गाइस हमारा एयर ड्रॉप, जो कि एयर ड्रॉप में मतलब कि दो तरह के एयर ड्रॉप होते हैं, एक नॉर्मल और एक मंगाने वाला, तो यहाँ छोटा वाला भी आपको दिखाई दे रहा है। ये कुछ स्किन्स होने वाले हैं आगे चल के हमारे एयर ड्रॉप्स और बाकी सारी चीज़ की, इसके बारे में मैं बताता हूँ गाइस। वेक्टर का स्किन जो कि FFWS का है, यह गाइस हो सके तो हमारा नेक्स्ट डायमंड रॉयल हो सकता है। और इसके साथ मैंने आपको एक इमोट दिखाया था गाइस, बहुत ज़्यादा चांस है कि ये हमारा डायमंड रॉयल बोल रहा हूँ गाइस, वेपन रॉयल हो सकता है, नेक्स्ट वेपन रॉयल हमारा ये हो सकता है गाइस। इसके साथ मैंने एक इमोट दिखाया था आपको, अगर आपने नहीं देखा तो आज जाके आप हमारे पहले वाले वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने बहुत कुछ समझा दिया है। तो गाइस, वो रिडीम कोड के जरिए आने वाला है एक बहुत ही अच्छा इमोट, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो इमोट लेने के लिए, मैं वीडियो बना दूंगा गाइस। आलोक का एबिलिटी चेंज होने वाला है, अब इसके ऊपर बात करते हैं। तो गाइस, ये आलोक का एबिलिटी चिंता मत करो गाइस, अभी तो चेंज नहीं होने वाला। तो आप बोलोगे कि मैं थंबनेल पे क्यों लगाया था, तो गाइस इसका सिंपल सा एक रीज़न है कि गाइस आपको पता होगा कि जब हम पहले फ्री फायर खेलते थे तो हम मतलब शॉटगन जब चलाते थे तो M10 मतलब बहुत ज़्यादा बंदे चलाते थे, बहुत ज़्यादा बंदे यूज़ में लेते थे शॉटगन में, तो उसका जो डैमेज गाइस कम कर दिया गया। फिर हम लोग XM8 चलाने लगे, तो गाइस बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा, XM8 से फटाफट हेड मारने लगे हम लोग, तो गाइस उसका भी डैमेज कम कर दिया। फिर हम लोग M18 चलाने लगे, तो गाइस M18 बहुत सारे बंदे चलाने लगे, तो वो भी ख़त्म कर दिया। अब गाइस यहाँ पे डबल वेक्टर चला रहे थे हम लोग,
सो गाइस डबल वेक्टर चलाने में उसमें भी बोलने लगा कि डबल वेक्टर बैन कर देंगे गाइस। मतलब फ्री फायर ऐसा ही करता है कि जिसका ज़्यादा यूज़ होने लगता है उसको हटाने लगता है। तो अभी को पता होगा कि आपको वुकोंग बहुत ज़्यादा यूज़ में हो रहा है और इससे बहुत ज़्यादा बंदे मतलब मार के फटाक से वुकोंग झाड़ी में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब कि बेकार चीज़ हो रहा है गाइस। तो अब फ्री फायर इसके ऊपर एक्शन लेने वाला है और वुकोंग करेक्टर का स्किल आपको चेंज देखने को मिलेगा गाइस। जैसा कि आपको पता है कि वुकोंग का अगर ये चेंज हो जाएगा, इस स्किल चेंज हो जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आलोक अगर आप आलोक का बात करोगे तो वो एक खास करेक्टर हो जाता है गाइस। और अगर आप वुकोंग को देखोगे गाइस तो फटाक से एक बंदे को मारने के बाद वो वुकोंग झाड़ी में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन ये फ्री में भी मिला है गाइस वुकोंग, और आलोक 600 डायमंड में मिला है गाइस। मतलब कि वो बहुत ज़्यादा महंगा है और बहुत सारे लोगों के पास अभी भी आलोक नहीं है गाइस, और वुकोंग तो सभी के पास है। और आलोक का स्किल अभी इसलिए चेंज नहीं होगा गाइस क्योंकि वो अभी भी रेयर करेक्टर है गाइस, वो सभी के पास नहीं है। मतलब 600 डायमंड एक अच्छी रकम होती है गाइस, मतलब कि समझ रहे हो ना आप। तो ऐसा कुछ आलोक हमारा चेंज नहीं होने वाला गाइस। लेकिन अगर हम वुकोंग की बात करें गाइस तो वुकोंग चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे वुकोंग फ्री में मिला था। फ्री का मतलब फ्री का जानते हो कि फ्री फायर फ्री में दिया है तो वो कुछ भी कर सकता है उसके साथ। तो वुकोंग पहले गाइस रेयर करेक्टर होता था, जब बहुत पहले आया था ये टॉपअप इवेंट में तभी मैंने निकाल लिया था। लेकिन गाइस अब वुकोंग उतना रेयर करेक्टर नहीं है और सभी के पास है लगभग वुकोंग, इसलिए वो चेंज कर रहा है और बहुत ज़्यादा गलत यूज़ हो रहा है वुकोंग का। तो गाइस आज वीडियो बस इतना ही रहना है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक बरसा देना गाइस, लाइक नहीं रुकने चाहिए गाइस। आप रोज़ वीडियो देख के चले जाते हो तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करने से ये होगा गाइस हमारे अच्छे अच्छे वीडियो आपके पास सबसे पहले जा सकते हैं गाइस। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।